गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। सो गाइज कैसे हैं, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए हमारी सुबह मतलब मॉर्निंग हो गई है। मैं विंडो से आप लोगों का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दी हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग अभी रूम में ही है, तो रूम से ही मैं आपको दिखाई हूँ। और ये देखिए पुच्चा आप लोगों को टॉफ़ी दिखा रही है। और ये टॉफ़ी पुच्चा को पता है रात में मतलब पापा थोड़े गुस्से हो गए थे तो बस सो गई, तो पापा इसको मनाने के लिए इनको प्यार आ गया तो बस इसके बेड के नीचे टॉफ़ी रख दिए ताकि मॉर्निंग में उठेगी तो खुश हो जाएगी। मतलब रात को पापा इस मतलब इसे डांट दिए थे तो सो गई थी, और सो गई थी तो मतलब इस पर प्यार आ रहा था पापा को, तो बेड के नीचे टॉफ़ी रख दिए ताकि ये उठेगी तो खुश हो जाएगी। तो सच में ये देखिए खुश हो गई है और टॉफ़ी मतलब आप लोग को भी खिला रही है। और अभी जो है मतलब सुबह सुबह है तो मम्मी जी मतलब गंगा स्नान करने जाती है, जो कि कार्तिक महीने में गंगा स्नान मतलब गंगा जी कार्तिक नहाया जाता है। तो बस हम लोग सोए हुए ही रहते हैं तो मम्मी जी मतलब नहा वहा करके गंगा जी से आ जाती हैं। और ये देखिए पूजा कर रही हैं और मतलब हम लोग सोए हुए थे तो बस मैं उठ गई और फिर मैं आ गई किचन में। मैं बोली बाबू को तुम यहीं पे रहो, मैं जा रही हूँ किचन में। तो बस मैं आ करके यहाँ चाय वाय चढ़ा दी और हमारा चाय खोल जाएगा, मतलब चाय वाय पीने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी यहाँ पे कर ली हूँ। मैं आलू को बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी, मतलब चाय हमारा पी उ ली थी तब तक हमारा आलू बॉयल हो गया था। और यहाँ आलू गोभी की मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ गाइज। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। तो बस वही मॉर्निंग का टाइम था तो आलू गोभी की सब्ज़ी हम यहाँ पर बना लिए हैं। और पता है लहसुन प्याज सिर्फ हम लोग खाते हैं, मम्मी जी नहीं खाती हैं, तो उनका खाना अलग बनता है। तो और ये है देखिए टमाटर, ये परवल की चटनी मैं बनाने जा रही हूँ और वहाँ पर दाल चढ़ा दी हूँ। तो देखिए परवल की चटनी में मैं 3 मिर्च डाल दी हूँ और फिर लहसुन की कलियाँ 3-4 डाल दी हूँ और फिर नमक ऐड करके और मैं इसको क्या करूँगी जो ग्राइंड कर दूँगी। बस उसके बाद क्या मतलब चटनी हमारा तैयार हो जाएगा और काफ़ी अच्छा चटनी लगता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग देख के बना सकते हैं गाइस, जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और फिर बस यहाँ पे देखिए मैं हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दी हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। और आप चावल के साथ खाओगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं तो हमेशा बना लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी तो बस यहाँ पे देखिए मैं इतने सारे रोटी बना ली और बस इतना बचे हुए हैं तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस देखिए हमारी रोटी फुली फुली कितनी अच्छी रोटी है ना, बस वही रोटी बना करके। और मैं यहाँ पे मम्मी जी जो है सब्जी काट रही है, बाबू देखिए मैं इसको फ़ोन दे दी हूँ तो ये पोएम देख रही है और खा रही है और बैठी हुई है, और मैं यहाँ ऊपर में रोटी बना रही हूँ। सब्जी हमारा बन गया है गाइज, तो सब्जी और दाल ये सारे बन गए हैं, बस रोटी लास्ट था तो वही मैं रोटी बना रही हूँ। और बाबू अपना देख रही है तो समझिए मैं बाबू को भी देख लेती हूँ और खाना भी बना रही हूँ। अभी मैं खाना वाना खा करके आ गई हूँ। बोलो खाना खा ली हूँ और अब नीनी करने जा रही हूँ। अब नीनी करने जा रही हूँ और मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मुझे नीनी करा दो, करा दो नीनी, करा दो नीनी, करा दो। और आज मैं येल्लो पहनी हूँ, दिखा अपना ड्रेस, क्या पहनी हो? हाँ येल्लो, येल्लो येल्लो मम्मी और बेटू पहनी है। क्यों पहनी है? क्योंकि आज थर्सडे है इसीलिए मम्मी बेटा दोनों येल्लो येल्लो पहने हैं, है ना? आप पहने हैं गाइज? बोलो आप पहने हैं? नहीं पहने तो पहन लीजिएगा। बोलो पहन लीजिएगा, पहन लीजिएगा। हाँ और आप मेरा वीडियो देखिए, मैं ए लिखी थी। बोलो ए लिखी थी। आप मेरा वीडियो देखे नहीं? देखे तो देख लीजिए, बाबू ऐसे नहीं करते हैं। देख लिया जी, देख लीजिए जी। चलो बाल मुंह में नहीं रखते हैं बिट्टू। चलो ए फोर एप्पल पढ़ के सुना दो, तो ए फोर एप्पल सुना दो। बोला ए फोर, बी फोर, सी फोर, डी फोर, ई फोर, एफ फोर, वाओ जी फोर, जी फोर, गन, एच फोर,
एस फोर एस फोर। आप लोगों से बातें करती हूँ तो बस आ बेटू आ जाओ, पर शादी सो क्यों उठना तो खाना आ जाओ। तो बस गाइज वही मतलब मैं अब चली खाना वाना खा करके, मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ और अब जा रही हूँ मैं मतलब बाबू को सुलाने के लिए। बेटू वहाँ पे अगरबत्ती रखा हुआ है मत छुओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस मतलब आज येलो येलो मैं पहनी हूँ, बाबू भी उसको भी येलो पहना दी हूँ क्योंकि आज थर्सडे है। तो मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताई थी जो हम लोग थर्सडे को येलो येलो पहनते हैं, मतलब मैं ऐसे तो कोशिश करती हूँ जिस कलर का मैं पहनूँ उस कलर का बाबू को ही मतलब अपनी बेटी को ही पहनाऊँ। तो बस वही मैं आज येलो पहनी हूँ। और हाँ इस और हाँ गाइज इस पर का मैं ब्लाउज नहीं पहनी हूँ, ये दूसरी ब्लाउज है ऐसे इसी तरह सिंपल है तो मैं यही पहन ली हूँ, मुझे आज मन किया। बट इसका ब्लाउज है आप लोग देखे होंगे वीडियो में, तो काफ़ी अच्छा साड़ी है। मैं आप लोग को बताई थी जो ये साड़ी जो है मतलब हमारे जो मतलब क्या मटकोर वाला, हाँ ये साड़ी हमारे मटकोर वाला साड़ी है। सो काफ़ी अच्छा साड़ी है और बढ़िया साड़ी है, मेरी मम्मी मतलब मुझे दी थी तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ही डार्क पीले है तो मैं इसे हमेशा घर में पहन के पहनती हूँ, ये देखो। तो गाइज बस अब बालों में कंघी वगैरह नहीं की हूँ तो मैं सोची चलो अब बाबू को सुला वुला देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बाल में कंघी वगैरह कर लूँगी। तो चलिए यूँ ही आप हमारे ब्लॉग पर बने रहे, मैं मिलती हूँ बस थोड़ी देरों में। तो अब हो गए हैं शाम और बस मैं पुच्चा को दे दी थी फ़ोन देखने के लिए तो वो फ़ोन देख रही है। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी जो है वो शाम का दिया दिखा रही है आंवला के पेड़ में, जो कि कार्तिक महीने मतलब दिखाया जाता है। तो बस मम्मी जी आंवला के पेड़ के पास दिया दिखा रही है और फिर रूम में आ गई दिखाने के लिए। तो पता है मतलब मम्मी जी खुद मतलब अपना ऐसे हमारे यहाँ नहा करके, अगर मैं नहा करके ही खाना बनाती बट मैं मॉर्निंग में नहीं नहा पाती हूँ तो मम्मी जी मतलब खुद बना लेती है या फिर भाभी बना लेती है, दोनों नहा करके अपना बनाती है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं दिया सोची चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ढेर सारे मतलब जितने भी कॉलोनी के मतलब जो भी हैं सारे यहीं पे दिया आके जलाते हैं, मतलब हमारे दरवाजे पे ही जलाते हैं और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है गाइज। गाइज बस अब हम चाय पीने के लिए आ गए हैं चाय लेकर के, और चाय का टाइम भी हो गया है तो आप लोग को भी पीना है तो पी लीजिए आके, या फिर मतलब आप अपने अपने घरों में जो भूल गए हैं चाय पीना जाकर के बना करके पी लीजिए गाइज। तो बस वही हम चाय वाय पी के उसके बाद खाने के लिए जाएंगे। तो अभी तो फिर मैं सोची चलो चाय पी करके मैं मतलब बाबू के साथ अपनी बेटी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लूँ, थोड़ी सी खेल लूँ, क्योंकि अगर बच्चे के साथ आप टाइम दोगे तो बच्चे मतलब खुश रहते हैं और हमेशा मतलब डांटा भी नहीं जाता है, मतलब बदमाशी करो तो उन्हें प्यार से भी समझाया जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा कभी कभी ये भी कर लेती हूँ और हाँ डांटती भी हूँ गाइस, क्योंकि बच्चे को अगर आप डांटोगे नहीं तो उसके मतलब डर नहीं रहेगा और डांटना भी ज़रूरी है और प्यार भी ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पर बाबू के साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ प्यार, और वो भी बहुत खुश रहती है। और मतलब ऐसे में क्या होता है आकर के बोलेगी मम्मा चलो ना खेलने, ऐसे बोलेगी। तो बस वही मैं कर रही हूँ और पुच्चा बहुत खुश नज़र आ रही है। तो बस अगर बच्चे को आप डांटते हो और प्यार कर लेते हो तो बच्चे जो है वो डांट भूल जाते हैं, तो मैं भी यही करती हूँ। तो आप लोग भी गाइस जहाँ तक हो आप लोग भी ऐसा ही अपने बच्चों के साथ करें तो बच्चे मतलब खुश रहेंगे और बच्चे बात भी मानेंगे। तो बस वही अभी पुच्चा को क्या है ना मतलब खाना उना खा ली है और इसको नींदी नहीं आ रही है गाइस, तो बस मतलब ये बोली मम्मा मैं फ्रेंड्स लोग से बात करूंगी। तो यही करो बात, हेलो हेलो, और बोलो कैसे हैं, खाना खा लिए हैं? मैं तो खा ली हूँ, मुझे नींदी नहीं आ रही है, बोलो नहीं आ रही है। आपको आ रही है नींदी? आ रही है। मुझे नींदी नहीं आ रही है। तो गाइस मतलब इसको नींदी नहीं आ रही है और इसके पापा सो गए हैं, वो देखिए इसके पापा सो गए हैं, बस मैं और पुच्छा जगे हुए हैं। और अभी कितने बज रहे हैं पता है? 10:30 बज रहे हैं, जबकि पुच्छा जो है मतलब कितने बजे
आठ साढ़े आठ तक ये सो जाती है और आज जो है मतलब इसको नींद नहीं आ रही है। बाय 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 बाय, अब बाय बाय कर रही है। हो गया बात कर ली, बाय करोगे? चलो बाय, गुड नाइट बोलो। बोलो आप सोने जा रहे हैं, बोल दो। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बोलो ना, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देना। हाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का की कलर करनी है, नीनी आ रही है। आप पूछा को नीनी आ रही है तो आप पूछा नीनी करने जाएगी गैस। तो चलो गैस लोग को बाय बोलो, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं पक्का, बोलो कल मिलते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बोलो, बाय बाय बाय।